आज मैं फिर आ गई अपने डोलू और भूरे के पास। ये देखो किसे मस्ती से पड़ा हुआ है, माँ बेटे हैं ये दोनों। ये भूरी है, ये पहले से आके बैठती थी यहाँ पे, और ये डोलू बाद में आके बैठने लगा। मेरी बेटी बोल रही थी कि क्यों बिठा लेती हो इनको, तो मैंने कहा बेचारे बैठे तो जाते हैं, हमारा क्या ले जाते हैं, ठीक है जब मन करेगा तो निकल जाएंगे। अगर मेरे पास कुछ खाने को होता है तो मैं खिला भी देती हूँ। देखो मैं ज़्यादा अपनी पढ़ाई तो नहीं करूँगी कि बहुत कुछ दे देती हूँ, पर हाँ जितना थोड़ा सा बहुत होता है वो मैं इनको खिला देती हूँ। क्योंकि अभी से नहीं, मैं शुरू से इन्हें खिला रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो अब इस संसार में नहीं है वो बोला करती थी कि ये बिना झोली के फ़कीर होते हैं, इन्हें तुम खिलाओगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम पे कोई विपत्ति आने वाली होती है तो हमारे पुण्य कर्म आड़े आ जाते हैं और हम बच जाते हैं, कोई भी अनहोनी टल जाती है। अगर आप बेजुबान जानवरों की सेवा करोगे तो उससे अनहोनी भी टल जाती है, इसलिए बेजुबान जानवरों की सेवा करो। जो अगर आप पे नहीं है खिलाने के लिए तो मत खिलाओ, पर उनको मारो भी मत, ठीक है। वो बेचारे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गलियों में, किस तरह से जी रहे हैं, ठीक है, वो किसी को बता भी नहीं सकते, बेजुबान है, कितनी मुसीबतों के साथ वो गलियों में रहते हैं। तो बस इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अगर हम उन्हें नहीं कुछ खिला सकते तो उन्हें मारे भी ना, बस प्यार करें उनसे। अब ये देखो मैंने अभी से कुछ नहीं खिलाया, बस बैठने के लिए जगह दे दिया तो मस्ती से पड़ा हुआ है। ये देखो डोलू, ए डोलू, और ये भूरी है।